हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू हाउ आर यू ऑल टुडे वेलकम टू आवर फोर्थ इंग्लिश ग्रामर क्लास टुडे इन आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेसन नंबर टू नाउन्स सो बेटा नाउन्स क्या होते हैं यस नेमिंग वर्ड्स नाउन्स क्या होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउंस नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग हिंदी में हम नाउन्स को संज्ञा कहते हैं ये किसी भी पर्सन व्यक्ति का प्लेस जगह का या फिर थिंग किसी भी वस्तु का या फिर आइडियाज का जो नाम है उसको बताते हैं तो ये हमारे नाउंस कहलाते हैं सो लेट्स लिंक इट रीड दिस सेंटेंस इस सेंटेंस को पढ़ेंगे फोकस ऑन द हाइलाइटेड नाउंस और जो हाइलाइटेड नाउंस है उनके ऊपर फोकस करेंगे इन दिस सेंटेंस के अंदर सो so, सेंटेंस है जैक सेंट अ बुके of flowers to his mother in Singapore. So Jack sent a bouquet of flowers to his mother in Singapore. So यहाँ पे आप जो highlighted words हैं इनको आप देखेंगे. Jack, Jack क्या है हमारा? Name of a person है. तो ये हमारा क्या है? Noun है. Bouquet, name of a thing है. ये हमारा क्या है? Noun है. Flowers, name of a thing है. Noun है. Mother नेम ऑफ ए पर्सन सो नाउन है सिंगापुर नेम ऑफ ए प्लेस नाउन है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे हमारे नाउन्स हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन एट सेंटेंस इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नाउंस हैं जैसे जैक एंड सिंगापुर जैक और सिंगापुर जो है हमारे आर प्रॉपर नाउंस वो हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं क्यों नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एनिमल्स प्लेस एंड थिंग्स जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो क्या होते हैं नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग है सो जैक को अगर हम देखें तो नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन है और सिंगापुर को अगर हम देखें तो नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस है तो इसलिए ये दोनों क्या हैं हमारे प्रॉपर नाउन से अगला हम देखते हैं बुके फ्लावर्स मदर आर कोमन नाउंस तो बुके फ्लावर और मदर जो है एक कॉमन नाउन्स है क्योंकि हर बुके को आप बुके बोल सकते हैं हर फ्लावर को चाहे वो रोज़ का हो लिली का हो मैरीगोल्ड का हो आप उसको फ्लावर बोल सकते हैं मदर हर मदर को आप मदर बोल सकते हैं तो ये क्या है हमारे कॉमन नाउंस है सो so, कॉमन नाउंस द वर्ड्स यूज फॉर क्लासेज ऑफ पर्सनस एनिमल्स प्लेसेस और थिंग्स तो ये आपके जो क्लासेस हैं पर्सनस की एनिमल्स की प्लेसेस की या थिंग्स की उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट है बुके इज़ आल्सो अ कलेक्टिव नाउन अब जो बुके हैं ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन भी है कलेक्टिव नाउन क्यों है क्योंकि ये क्या है एक कलेक्शन है फ्लावर्स का तो इसलिए ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन चलिए एक्सरसाइज करते हैं सो आई बिलीव आप सभी को समझ में आ गया है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है कॉमन नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है तो चलिए एक्सरसाइज ए करते हैं राइट ए प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सभी के लिए आपको एक प्रॉपर नाउन लिखना है एन आर्टिस्ट तो किसी भी आर्टिस्ट का किसी भी कलाकार का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे रविशंकर जाकिर हुसैन तो ये सारे क्या हैं आर्टिस्ट हैं तो किसी भी आर्टिस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट टूथपेस्ट टूथपेस्ट क्या है हमारा कॉमनली हम हर टूथपेस्ट को टूथपेस्ट बोल सकते हैं चाहे वो क्लोजअप हो कोलगेट हो पेप्सोडेंट हो और टूथपेस्ट के लिए जो हम एक प्रॉपर नाउन अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रॉपर नाउन क्या होगा क्लोजअप है पेप्सोडेंट है कोलगेट है तो ये आपके क्या होंगे प्रॉपर नाउंस होंगे टूथपेस्ट के लिए नेक्स्ट है बुक बुक आपकी क्या है बुक आप किसी भी बुक को बोल सकते हो और बुक के लिए आप जो प्रॉपर नाउन देंगे वो क्या हो सकता है गीता है बाइबल है रामायण है या फिर किसी भी बुक का आप नाम देंगे जो प्रॉपरली जैसे आपकी बुक है ग्रामर राइट अरहुल है तो ये क्या है एक बुक का प्रॉपर नाम है तो उसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं एक्सरसाइज भी करते हैं री द लेटर्स टू फॉर्म कलेक्टिव नाउंस दैट मैच द पिक्चर्स अब कलेक्टिव नाउन आपको पता है कि ग्रुप ऑफ नाउंस होता है ग्रुप ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग सो उसको जो आप कलेक्टिवली बोलेंगे उनके कलेक्शन को उसको आप कलेक्टिव नॉन बोलते हैं जैसे एक कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाएगी टीम कहलाएगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स खड़े हैं और ये फ़ुटबॉल इनके पास है तो ये फ़ुटबॉल के प्लेयर्स हैं तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे एक टीम कहलाएंगे नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर आपकी शीप है तो ये जो शीप हैं इनका जो एक ये यहाँ पर कलेक्टिवली आप इनको क्या कहेंगे फोक कहेंगे आप फोक ऑफ शीप अगला देखते हैं फिश है फिश का फिश जो है इनको आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे इनका क्या होता है शॉल अब यहां पे बेटा आपकी जो पी है उसके अंदर शॉल की स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे एस एच ओ एल सोल आपकी करेक्ट स्पेलिंग है एस एच ओ ए एल नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पिक्चर में फोर्थ पिक्चर में आपको क्या दिख रहे हैं सोल्जर्स दिख रहे हैं अब जो सोल्जर्स हैं इनको आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे आर्मी कहेंगे सो आर्मी ऑफ सोल्जर्स नेक्स्ट क्या है कार्ड्स दिख रहे हैं कार्ड्स को कलेक्टिवली क्या कहेंगे आप डेक सो अ डेक ऑफ कार्ड्स नेक्स्ट में आप देख रहे हैं शिप सो so, जो शिप हैं इनको आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे फ्लीट तो जो सिक्स का जो एक ग्रुप होता है या फिर कलेक्टिवली जो शिप्स होती हैं उनको आप क्या कहते हैं फ्लीट कहते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप आगे देखते हैं बेटा जेंडर जेंडर क्या होता है फिनेमियन और मस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं जैसे आपके हिंदी में पुलिंग और स्त्रीलिंग होते हैं ऐसे ही यहाँ पर फिनेमियन और मस्कुलिन जेंडरस हमारे होते हैं मस्कुलिन एंड न्यूट्रल सो नाउन्स कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जेंडर नाउंस को हम जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं जैसे बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं सो so, इनको हम जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं फिनीमियस फॉर फीमेल्स फीमेल्स के लिए हम फिनीमियन जेंडर का यूज़ करते हैं मस्कुलिन फॉर मेल्स और मस्कुलिन हम मेल्स के लिए यूज़ करते हैं एंड न्यूट्रन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम न्यूट्री जेंडर का यूज़ करते हैं सो so, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देर आर अदर टाइप्स ऑफ जेंडर कार्ड कॉमन जेंडर्स और उसके अलावा हम कॉमन जेंडर्स भी एक टाइप ऑफ हमारी जेंडर में आता है ए नाउन एज ए कॉमन जेंडर वैन द सेम नाउन इज़ यूज टू रेफर टू समबडी मेल और फीमेल तो जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं मेल और फीमेल के लिए उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं जैसे आपका कोई कज़न है उसके लिए आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कज़न यूज़ कर सकते हैं क्लास है क्लास के अंदर बॉयज़ भी बैठे हैं गर्ल्स भी बैठे हैं उन दोनों के लिए हम कॉमनली क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं टीचर है चाहे मेल टीचर हो फीमेल टीचर हो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं टीचर यूज कर सकते हैं सो लुक एट दिस नाउंस इन नाउंस को देखेंगे कजन कज़न मेल फीमेल आप दोनों के लिए कज़न यूज कर सकते हैं स्टूडेंट मेल स्टूडेंट हो या फिर फीमेल स्टूडेंट हो उसके लिए आप स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं बटरफ्लाई बटरफ्लाई के लिए बटरफ्लाई यूज़ कर सकते हैं पेंटर चाहे मेल पेंटर हो चाहे फीमेल पेंटर हो आप उसके लिए पेंटर यूज़ कर सकते हैं तो ये आपके क्या हुए कॉमन जेंडर हुए द नाउन्स यू जस्ट रीड रेफर्स टू बींग कैन बी मस्कुलिन और फिनेमियन तो ये कजिन आपका मस्कुलिन भी हो सकता है फिनेमियन भी हो सकता है स्टूडेंट मस्कुलिन भी हो सकता है फिनेमियन भी हो सकता है इसी प्रकार से बटरफ्लाई भी और पेंटर भी आपका मस्कुलिन भी हो सकता है फिनेमिन भी हो सकता है दीज आर कॉमन जेंडर नाउन्स तो ये आपके कॉमन जेंडर नाउन्स होते हैं सो लेट्स क्रैकेट लेट्स क्रैकेटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक एक्सरसाइज एक एक है नंबर द बॉक्सिस टू शो द जेंडर ऑफ़ द नाउन्स अब आपको यहाँ पर दिख रहा है आपके पास डिफरेंट नाउन्स हैं तो इनको आप जेंडर के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे यूज़ द कलर कोड गिवन बिलो वन हैज़ बिन डन फोर यू तो आपको प्रनेमिन के लिए रेड मस्कुलिन के लिए और न्यूट्र के लिए ग्रीन और कोमन के लिए आप डिफरेंट जो कलर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं जिस प्रकार से आप फिनियन के लिए ऑरेंज यूज करेंगे मेस्कुलिन के लिए आप रेड यूज करेंगे न्यूट्र के लिए आप ग्रीन यूज करेंगे और कॉमन के लिए आप पर्पल यूज करेंगे तो इन कलर्स को आप यूज करेंगे और इनमें आप मार्क कर सकते हैं सो नेफ्यू नेफ्यू क्या है आपका मस्कुल जेंडर है तो इसको आप क्या करेंगे इसको आप मस्कुलिन जेंडर जो है आपका रेड रेड इसको आप कलर कर सकते हैं ठीक है तो आप इनको आप इनके कलर के अकॉर्डिंग आप सॉरी इनको आप इनके जेंडर के अकॉर्डिंग आप इनको कलर करेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा नंबर नंबर क्या होता है रीड द सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे नंबर क्या होता है जो आप हिंदी में जैसे हम एक वचन और बहुवचन करते हैं सो नंबर इंग्लिश में हम करते हैं सो so नंबर क्या कहेंगे वचन सो रीड दिस सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे ग्रैंड फादर आस्ट द गर्ल्स टू हेल्प हिम डेकोरेट द हाउस सो ग्रैंड फादर आस्ट द गर्ल्स अब यहाँ पे क्या है गर्ल्स है गर्ल्स का मतलब क्या है एक से ज्यादा गर्ल्स है और गर्ल हो तो सिंगलर सो ग्रैंड फादर ने लड़कियों से हाउस को डेकोरेट करने के लिए हेल्प के लिए कहा सी ऑलवेज कीप्स अ बॉक्स ऑफ कैंडल्स सम क्ले लैम्प्स एंड अ फ्यू मैच बॉक्सेस अब यहाँ पर अगेन आप अगर देखेंगे तो so, कैंडल से कैंडल्स बना है लैम्प से लैम्प्स और मैच बॉक्स से मैच बॉक्सेस तो ये आपके प्लूरल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सो आई कूडेंट फाइंड एनी थिंग ऑन द सेल्फ अब सेल्फ क्या है सेल्फ का प्लूरल फॉर्म है सो so, सिंगर और प्लूरल हम जनरल नंबर हम नाउंसमेंट करते हैं सो so, सिंगुलर हम एक वचन के लिए प्लूरल हम बहुवचन के लिए द वर्ड्स गर्ल्स कैंडल्स लैम्प्स मैच बॉक्सेस एंड सेल्फ आर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ गर्ल कैंडल लैम्प मैच बॉक्स एंड सेल्फ तो आपने देखा कि गर्ल्स गर्ल girl का कैंडल्स कैंडल candle का लैम्प लैंप lamp का मैच बॉक्स मैच बॉक्स का एंड सेल्फ सेल्फ का प्लूरल फॉर्म है सो लुक एट द टेबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सर्टेन नाउम्स अब हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी नाउन की प्लुरल फॉर्म हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे सो सिंगर प्लूरल आप सभी को पता है जैसे बॉयज ए बॉयज गर्ल्स ए गर्ल्स टीचर्स से, से, गर्ल से गर्ल, टीचर्स तो इसी प्रकार से हम इनके जो प्लूरल फॉर्म हम बनाते हैं उनके जो रूल्स हैं उनको हम देखते हैं सो फर्स्ट वर्ड्स एंडिंग इन जो भी वर्ड आपका एंड होगा ओ से एस से एक्स से एस एच से या सी एच से तो उसके अंदर हम ई एस को ऐड करेंगे जैसे एग्जाम्पल है बॉक्स बॉक्स से क्या बना बॉक्सेस टोमेटो टोमेटो से क्या बना टोमेटोस सो so, जहाँ पर भी आपका जो वर्ड है वो एस से एंड होगा उसके सामने हम ई एस को ऐड करेंगे और एक्स से एंड होगा या फिर ओ से एंड होगा या फिर एस से एंड होगा तो भी हम उसके साथ ई एस को ऐड करेंगे जैसे हमारे पास शू है शू शूज बॉक्स बॉक्सेस टोमेटो टोमेटोज पोटैटो पोटैटोज इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स एंडिंग एफ कोई भी वर्ड आपका एफ से या फिर एफ ई से जो एंड होगा उसके साथ आप क्या करेंगे उसको आप रिप्लेस करेंगे लास्ट जो एफ़ है या एफ ई है उस एफ़ या एफ ई को आप हटा देंगे और उसके सामने आप वी ई एस लगाएंगे जैसे आपका नाइफ है नाइफ के एन आई एफ ई है तो एफ ई को हम रिमूव कर रहे हैं और उसकी जगह हम आई वी ई एस लगा रहे हैं सो एफ़ ई को हटा के हमने वी ई एस लगाया सो so, नाइफ़ से नाइफ इसी प्रकार से वाइफ़ है डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ सो so, वाइफ़ में भी हम एफ ई को हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे सो वाइफ्स इसी प्रकार से थीफ है टी एच आई ई एफ थीफ थीफ है तो एफ को हम हटाएंगे वी ई एस लगाएंगे टी एच आई ई वी ई एस सो थीफ से thieves बन रहा है इसी प्रकार से वर्ड्स एंडिंग इन वाई अगर हमारा कोई भी वर्ड वाई से एंड होता है दैट फॉलोज ए और उसके बाद एक वोवल वो आता है तो हम एस को ऐड करेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पर मंकी है मंकी में आप देखेंगे पहले हमारा ई है ई हमारा वोवल है और वोवल के बाद हमारा वाई आ रहा है तो हम केवल एस यहाँ पर लगाएंगे इसी प्रकार से डंकी है डंकी है सो डंकीज़ तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने केवल एस का यूज़ किया क्योंकि हमारा वाई से पहले एक वोवल आ रहा है नेक्स्ट वाई देट फॉलोज ए कॉन्सोनेंट अब वाई है वाई से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करेंगे हम आई ई e, एस लगाएंगे क्या लगाएंगे आई ई एस लगाएंगे जैसे कैंडी है सो तो कैंडी में हमारा वाई से पहले डी आ रहा है डी हमारा एक कॉन्सोनेंट है सो कैंडीज़ सी ए एन डी आई ई एस वहाँ पर हम लगाएंगे नेक्स्ट है फ्लाई फ्लाई का क्या करेंगे फ्लाइज आई ई एस वहाँ पर हम लगा रहे हैं सो so, हम क्या कर रहे हैं वाई को रिमूव कर रहे हैं और आई ई एस लगा रहे हैं तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अंडरलाइन द नाउंस ऑफ प्लूरल नंबर इन दिस सेंटेंस तो इन सेंटेंसेस के अंदर आपको जो भी नाउंस आपके प्लूरल हैं उनको आपको प्लूरल नंबर के नाउंस को आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है वन हैज़ बिन डन फॉर यू इनमें से आपके लिए एक किया गया है सो so फर्स्ट है द लेडी बॉट सिक्स मैंगोज from द फ्रूट सेलर अब यहाँ पे सिक्स आ रहा है तो मैंगो एक से ज़्यादा हो गए सिक्स हो गए सो so यहाँ पर हम मैंगो लिख रहे हैं आप देख रहे हैं सो so मैंगो हमारा क्या है एक प्लूरल नंबर है नेक्स्ट देखते हैं द थीव्स रोब्ड आवर नेबर्स हाउस अब एक थीफ के लिए हम थीफ लिखते हैं एक से ज़्यादा के लिए हम थीव्स लिखते हैं तो थीफ्स हमारा क्या होगा यहाँ पर एक प्लूरल नंबर हो गया नेक्स्ट है दिस सैलड इज मेड ऑफ टोमेटोज एंड ओनियंस अब टोमेटोज एंड ओनियंस अब एक से ज़्यादा हैं टोमेटोज ओनियंस तो यहाँ पर हम ई एस लगा रहे हैं और एस लगा रहे हैं तो ये हमारा प्लूरल नंबर है टोमेटोज एंड ओनियी प्रकार से देर आर मैनी वोल्व्स इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट अब यहाँ पर वोल्स में आप देख रहे हैं वोल्फ क्या होता है डब्ल्यू ओ एल एफ वोल्फ का मतलब एक वोल्फ तो हमने एफ को रिमूव करके वीई एस यहां पर लगाया हुआ है सो so, वोल्फ को आप यहां पर एंटर